एक दिन बड़ा याद आता है, वो पता डेट क्या है, 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019, आज तक एक बात समझ में नहीं आती, वो रात इतनी काली थी या हम लोगों की किस्मत। लेकिन पार्टी क्या की थी उस रात, खास बात अब भी याद है मेरे को उस पार्टी की। टी शर्ट पहनी थी भाई ने, अपना टाइम आएगा, आ गया अपना टाइम आ गया। टाइम आया ना भाई, टाइम बड़ा अच्छा आया। वो लंबा चौड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल आया था, तो क्रेडिट कार्ड का बिल जो आया आया, उसके बाद कोरोना हुआ वो अलग। आज तक दिक्कत हो रही है। और सप्लीमेंट देखे, अरे कौन कौन से खाने पड़ रहे हैं, विटामिन ई ए, साला ए टू जी सारे के सारे, कौन सा हद हो गई। और आजकल ये क्या चला रखा उसके ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, जिंक। हाँ जिंक भाई, ये जिंक से क्या चक्कर हो रहा है आजकल इतना, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है इस चीज की। बोलो क्या क्या जाए इसका। अरे छोटो, मैंने भी यही सुना है, इतना जिंक खाया और अभी डॉक्टर लोग डरा रहे हैं, कहते हैं जिंक से ब्लैक फंगस हो सकता है। कितना खतरनाक है यार ये ब्लैक फंगस, अब किया क्या जाए। कोई है जो बताए हमें ये जिंक और ब्लैक फंगस का रिश्ता जायज है या ना जायज। क्या आप लोगों को भी डर लग रहा है जिंक से, कंफ्यूजन हो रही है कि क्या बुलाए है ये, हो सकता है। चलिए ऑफिस चलते हैं, फिर सारी बातें करें। एक दो महीने पहले तक जिंक हीरो था, लेकिन लोग अब उसको शक की नजर से देख रहे हैं। लेकिन जिंक की बात करें तो जिंक हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु है, सबसे पहला लोहा मतलब कि आयरन। लेकिन जिंक का काम क्या है, जिंक करता क्या है, जिंक है क्यों हमारे शरीर में। तो सबसे पहला काम है जिंक का, ये सबसे जो मेजर काम है, जिंक बहुत सारे काम करता है, लेकिन जो पहला काम है या जो बड़ा मेजर काम है वो ये है कि जो जिंक है ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैंने तो 12th में मेडिकल नहीं नॉन मेडिकल लिया था। देखो 12th की बात अभी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम वैसे ही कैंसिल हो गए। लेकिन सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ जीन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जो हमारा सबसे बेसिक ब्लॉक होता है वो DNA होता है, सबने सुना होगा। DNA में होता क्या, DNA में इंफॉर्मेशन होती है चीजों के बारे में, क्या करना है कैसे नहीं करना। तो DNA से RNA कम्युनिकेशन होता है, तो मान लीजिए कि उस इंफॉर्मेशन से काम कैसे कराना है, ये सिंपल शब्दों में जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है। क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, जैसे सोशल मीडिया में होता है, हमें पता है ये सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन लेती हैं, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके क्या करेंगे, उसका एक्शन क्या होता है, आपको एड्स भेज जाते हैं। तो हर इंफॉर्मेशन में जो एक्शन होता है उस टाइप की चीज। ब्लैक फंगस की बात हो रही है, और ये क्यों बात हो रही है, जीन के साथ इसको क्यों लिंक किया गया। तो फंगस की बात करें तो ये जो प्रजाति है, हमें अभी तक जितना हमने रिसर्च करा है 300 प्रकार के फंगस पाए गए हैं, और भी होंगे लेकिन हमें 300 पता है जो हमें पसंद नहीं करते, मतलब ताक में रहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो और भड़ाक से अटैक करते हैं। तो लेकिन इन 300 में से भी सिर्फ 13 लोग हैं ऐसे जिन पे हमें कुछ डेटा है, मतलब 287 का हमें आइडिया ही नहीं कि इनका गांव कौन सा है, रहते कहां पे, क्या करते हैं, कुछ भी आइडिया। लेकिन फिर भी मतलब जो जिंक वाला पार्ट है एसोसिएट किया गया ब्लैक फंगस से, क्यों, उसका रीजन है क्योंकि ये जो फंगस होते हैं इनको अपना काम करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। अगर जिंक की जरूरत है तो हम रिसेंटली बहुत सारे जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो एक सोच में आता है कि जिंक बॉडी में बहुत जा रहा है, तो क्या इससे हो सकता है ब्लैक फंगस। एक काम करते हैं, पहले हम जिंक के सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। जो मैक्सिमम लोगों ने जिंक सप्लीमेंट्स लिए थे, राइट, जैसे जिंक सिट्रेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, जिंक के दूसरे वेरिएशंस होते हैं, 50 मिलीग्राम की टैबलेट होगी जो आप सब लोगों ने ली होगी। लेकिन आपको पता हो जो 50 मिलीग्राम है ना, वो एक्चुअली 50 मिलीग्राम जिंक नहीं है। जिंक सिट्रेट जो है वो सिर्फ 34% जिंक बाई वेट है, जिंक सल्फेट है वो 22% जिंक वेट है। अगर आप
50 मिलीग्राम जिंक सिट्रेट ले रहे हो तो वो बेसिकली 17 मिलीग्राम जिंक है। तो फिर बात आती है कि लेकिन हो सकता है इतनी क्वांटिटी में भी ये टॉक्सिक हो, हमें मतलब टॉक्सिसिटी हो जाए। तो अगर हम जिंक टॉक्सिसिटी की बात करें तो 100 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम के बीच में, मतलब 300 मिलीग्राम के बीच में टॉक्सिसिटी हो सकती है। लेकिन अगेन हम उतना ले नहीं रहे, मैक्सिमम एक टैबलेट ले रहे हैं जिंक की, जो कि जिंक सिट्रेट है कुछ भी है, वो 17-18 मिलीग्राम के आसपास है। तो जिंक ओवरडोज के साइंस क्या है? तो अगर आपको नौशिया हो रहा है, मतलब उल्टी आने का हो रहा है, इनडाइजेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, जो डायरिया के बारे में एक चीज़ हम सबको लगता, मुझे भी लगता था कि जब तक पेट खराब नहीं होता उसे डायरिया बोलते हैं, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जा रहे हैं, गुस्ल खाने जा रहे हैं, तो आपको डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, थोड़ी वॉमिटिंग हो गई, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? जैसे मैंने आपको बता तो दिया कि फंगस में कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिंक भी लगता नहीं ज़्यादा खाते हैं, तो किया क्या जाए? जिंक छोड़ दें, जिंक से डरें? नहीं, सबसे पहले जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, और मैक्सिमम लोग आई वुड से जिंक डिफिशियंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम सप्लीमेंट्स लें? अब दिक्कत ये है कि हम लोगों को खाने का आइडिया ही नहीं होता, हमें लगता है ये सब चीज़ें बाहर से ही मिलती हैं और हमारी डाइट में चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। मैं जिंक की बात करता हूँ, अगर आपको जिंक पूरा करना है तो जिंक वैसे कैसे पूरा किया जाए? अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो, जैसे मटन खाते हो, तो वो जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा बड़े सारे लोग हमारे इंडिया में वेजिटेरियन है, राइट? तो जो दाल है, सीड्स हैं, नट्स हैं, डेयरी है, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जिंक के। कितना एग्जैक्ट खाना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वांटिटी क्या है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। उसके बाद अंडे हैं, उसके बाद आपके जैसे गेहूं हो गए, किनुआ हो गया, सब चीज़ें, ये भी अच्छे सोर्सेज होते हैं। नॉर्मली जो सब्जियां हैं उतने अच्छे सोर्सेज नहीं होते, लेकिन हल्का फुल्का उनमें भी होता है। तो मूल स्टोरी क्या है इस चीज़ की? सबसे पहले मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अपने खाने को पहचानिए। जब भी हम बात करते हैं प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, ये चीज़ें ऐसी नहीं है किसी सप्लीमेंट से आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डे इन डे आउट सेम ही खाना खाते हैं। तो खाने को पहचानेंगे, अलग अलग चीज़ें अपने खाने में लेके आएंगे, नो मैटर आपके खाने की फिलॉसफी क्या है, आप वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, हर तरीके से आप अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं। और रही बात सप्लीमेंट्स की, तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप कोई भी सप्लीमेंट, वो कोई भी हो, ठीक है, वो बहुत लंबे टाइम तक ले। और रही बात जिंक की, जिंक के बारे में आपको खास बात बताता हूँ, जिंक जिस तरीके से हमारी बॉडी में अपटेक होता है, मतलब बॉडी में यूज होता है, मान के चलिए एक बस जाती है जिसमें जिंक जाता है, कैल्शियम जाता है, मैग्नीशियम जाता है, आयरन जाता है, और अगर ये सब सेम टाइम पर जाएंगे ना, किसी ना किसी को बाहर बैठना पड़ता है, तो इसे जिंक डेफिशिएंसी बहुत होती है। इसीलिए मुझे मल्टीविटामिन पसंद नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ बाहर रह जाता है, हमें लगता है मैं सब कुछ खा लिया। लेकिन अगर आप खाने को, अपनी डाइट को सीरियसली लेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और रही बात इम्यूनिटी की, तो 7 दिन सप्लीमेंटेशन से इम्यूनिटी बनती नहीं, इस प्रोसेस को महीने लगते हैं, जिसमें नींद, अच्छा न्यूट्रिशन, प्रॉपर वर्कआउट, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, अच्छा खाना, ये सारे पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको जिंक के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ, आप जिंक से डरे नहीं और जिंक को अपनाएं, लेकिन खाने के थ्रू ज़्यादा। हमेशा याद रखिए, खाना इज लाइक बाप और सप्लीमेंट्स इज लाइक एक नलायक बेटा। मैक्सिमम काम हमेशा जो होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो खाना ही होगा, होल फूड सोर्सेज ही होंगे, सप्लीमेंट्स बहुत ही कम काम करते हैं। मतलब आप नहीं भी लें तो तब भी काम चलेगा, लेकिन खाने वाला पार्ट वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो भी आपका गोल है। सो गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम।